खुशियों भरी खबर है कि बहुत जल्द शहर के प्रत्येक घर में नर्मदा जल पहुंचेगा। मेयर इन काउंसिल के अमृत फेस 2 योजना पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई है। इसी के तहत 280 करोड़ रुपए की लागत से 16 नई पानी की टंकियां बनाई जाएंगी और घर घर नर्मदा जल पहुंचाने का काम होगा। इसके साथ ही MIC बैठक में अन्य कई प्रस्तावों पर भी स्वीकृति हुई। नगर निगम मुख्यालय में मेयर इन काउंसिल की एक बेहद खास बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें शहर विकास के कई प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई। अमृत योजना के फेज 2 को स्वीकृत किया गया। इसके तहत 280 करोड़ रुपए की लागत से शहर के प्रत्येक घर तक नर्मदा जल पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। पानी की 18 नई टंकियों का निर्माण भी होगा। 280 करोड़ रुपए में हम लोग ये भी तय कर रहे हैं कि टंकियों को भरने का ऑटोमेशन ला रहे हैं। आज हमको हर बात में मैनुअली चाबी खोलना पड़ती है। आने वाले समय में हम टेलीविजन पर देख के, हमारे कंट्रोल रूम पर देख कर ये तय कर लेंगे कि कौन सी टंकी भर गई है, कौन सी टंकी भरना चाहिए। तो हम लोगों को एक फिल्टर प्लांट से कई टंकियों को भरना पड़ता है, तो उसके समय निर्धारण के लिए हमको मैनुअल चाबियाँ खोलना पड़ती है, टैप खोलना पड़ते हैं। खुशी का विषय यही है कि 1 लाख नए घरों को और 1.5 लाख पुराने घरों को जहाँ नर्मदा जल जाता है, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी, ये काम चालू हो जाएगा आने वाले 6 महीने के अंदर, और आने वाले उसके 1.5 साल 2 साल के बाद तक ये काम संपूर्ण होगा। इसमें 18 नई टंकियां जबलपुर शहर में बनाई जा रही हैं। प्रत्येक वार्ड 79 वार्डों में हर घर में नर्मदा जल होगा, यह आज MIC ने सुनिश्चित कर दिया। उसका हम लोग ऑटोमेशन कर रहे हैं। इसके साथ ही निर्णय लिया गया कि सिविक सेंटर पार्क का नाम भारत माता उद्यान किया जाएगा। यहां भारत माता की मूर्ति भी स्थापित होगी। सिविक सेंटर जो स्थित पार्क है, उसका नाम भारत माता उद्यान किया है, जिसमें एक बड़ी प्रतिमा रथ में और पूरे देश के उसके पीछे एक बहुत अच्छे स्वरूप के साथ भारत माता मंदिर के स्वरूप वहाँ पर निर्माण भी किया जाएगा, और सिविक सेंटर उद्यान को आगे सदन से पारित होने के बाद भारत माता उद्यान जाना जाएगा। इसी प्रकार शहर के कई प्रमुख चौराहों और सड़कों का नामकरण संतों महापुरुषों के नाम पर किया गया। सिविल लाइंस के पास जो पर्यटन विभाग के सामने का तिराहा है, उसको चित्रगुप्त चौक नामांतरण किया है। संत शिरोमणि सेन महाराज के नाम से अधारताल के पास हम लोगों ने तिराहे का नामांकरण किया है। संत सुधा सागर जी महाराज जवारगंज से लेके मछराई तक की जो सड़क है, उसका आज नामांकरण किया गया है। झंडा चौक से गौरी घाट के पास सम्राट अशोक के नाम से इसका नामांकरण किया गया है। जो दक्षिण सिविल लाइंस में साईं बाबा जी का मंदिर है, उसके समक्ष जो चौक है, ये काफ़ी समय से इन सब की मांग चल रही थी, वो साईं चौक के नाम से आज नामांकरण किया है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि जन भावनाओं को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाएंगे, जन सुविधाओं के साथ सामाजिक समरसता का ख्याल भी रखा जाएगा।